देखते हुए कोविड सेंटर से शिफ्ट किए जा रहे कोरोना मरीज। दहीसर कोविड सेंटर और दहीसर आईसीयू कोविड सेंटर से शिफ्ट होंगे मरीज। महाराष्ट्र मुंबई में आने वाले समुद्री साइक्लोन को लेकर महानगर पालिका द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। मुंबई के अलग अलग कोविड सेंटरों में भर्ती कोरोना मरीजों को शिफ्ट करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि दहीसर जंबो कोविड सेंटर में करीब 240 मरीज है, जिनमें 80 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है और लगभग कुल मिलाकर 160 मरीज है, जिनमें 100 मरीजों को गोरेगांव एनएससी कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बाकी 60 मरीज CC2 कोविड केयर सेंटर दहीसर में शिफ्ट किए जाएंगे। अगर साइक्लोन की तीव्रता 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर साइक्लोन आता है तो दहीसर जंबो आईसीयू कोविड सेंटर में भर्ती 85 कोविड मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रकार की SOP तैयारी की गई है। दहीसर कोविड सेंटर की डीन दीपा श्रेयन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको शिफ्ट किया जाएगा। वहीं बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो आईसीयू से कोविड मरीजों को पूरे सिस्टम के साथ शिफ्ट किया जाएगा। हमारे पास DCHC जो है हमारा, वो जो वार्ड के पेशेंट्स है जिनको बोलते हैं, वहाँ ऐसे 160 पेशेंट्स है हमारे पास, जिसमें से 100 पेशेंट्स को ऑक्सीजन की गरज है और 60 पेशेंट ठीक हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले पेशेंट है उनको NESCO भेजा जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। हमारे डॉक्टर्स उनको स्वयं शिफ्ट करेंगे और वहाँ जो पेशेंट का केयर होगा वो हमारे डॉक्टर्स ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ NESCO डॉक्टर्स, एंड जो मेडिसिन वगैरह भी जो ज़रूरत है वो यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा पर पेशेंट, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंटिन्यूशन ऑफ केयर हो वो पेशेंट्स का। और जो 60 पेशेंट्स हैं हमारे, वो हम लोग CC2 जो नज़दीकी CC2 है हमारे पास रुस्तम जी में, वहाँ शिफ्ट होंगे और उनका भी ख्याल हम पूरी तरह से रखेंगे। जब तक ये पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होते तब तक इनकी पूरी जिम्मेवारी हमारे ही रहेगी। ICU पेशेंट की कैसे? ICU पेशेंट्स का ये है कि हमारे पास 85 ICU पेशेंट्स हैं, जिनको फिलहाल में तो हम शिफ्टिंग की पूरी तैयारी करके रखे हुए और 7 Hills में उनके लिए जगह भी मतलब रेडी रखी है। लेकिन एज ऑफ नाउ टिल मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने को ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक हमारी ICU के पेशेंट की शिफ्टिंग तो विद होल्ड है।